is getting on the stage and telling the people about the story that we have. 2 days back, I was really worried. I didn't know what to say. I was thinking what I'm going to do. I discussed it with my wife, and she was like, "What are you going to wear?" It's like, you know, you're confused and nervous about this. And so, anyways, I had to think about it, and I went through my things, and I ended up that I'll tell you guys a small story. That how this is working. So how did I become, so this was me before, the way I used to be. So how did I become from this to this? So I have a very small, I have a long story, but I'm going to make it very short. I just went to school, just like the normal people that, just the way you guys did. And when we go to school, 90% of children don't interest in students. I was like just one of them, and I was in every school. I was the kind of student that, you know, who can study, who can do this, that, that. I used to play football, I used to be in the cricket team, in the basketball, but you don't really know in school what you're going to do in life. You are in that phase that you think you can do everything. And something is not very good. For temporary time, sometimes you feel good, sometimes you don't. I completed my school, I went for college. कॉलेज में भी हमने जाके वो किया जो बहुत रेयर था. When I went to college तब FSC और प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल वर द ओनली टू फील्ड्स जिसमें लोग जाते थे. वो आई वेंट फॉर ICS बिकॉज़ दैट वाज रियली न्यू. और हम उस कॉलेज में गए जहाँ मुझे स्कॉलरशिप मिली है बिकॉज़ आई हैड अराउंड 75% मार्क्स इन माय मैट्रिक. सो आई गॉट अ स्कॉलरशिप इन द कॉलेज वेयर आई वेंट. व्हाइल आई वाज डूइंग माय कॉलेज उसके बाद भी हमें पता नहीं था कि लाइफ में करना क्या. ये आता है टाइम, ये सब पे आता है. आई एम प्रीटी श्योर नोबडी यू नो हम मानते नहीं है लेकिन ये टाइम सब पे आता है. हम लोग उस टाइम सोच रहे होते हैं कि यू नो हम पढ़ लिख जाएंगे एक मल्टी मिलियनेयर कंपनी में जाके जॉब करेंगे. दैट्स व्हाट वी थिंक बट वी डोंट रियली नो बिकॉज हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है. वी डोंट रियली नो कि हमारे अंदर होता क्या टैलेंट है. वी हैव टू फाइंड दैट आउट. I had a love to do sketching. I had a love for art, and that comes from my mom. When I was doing my college, my father suggested me that I should go in the accounting field. उस टाइम नया नया एक कोर्स आया था जिसका नाम था CAT, CAT. मतलब मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. I am going to do CAT. तो वी used to tell कि हम ACCA में जा रहे हैं. ACCA की फुल फॉर्म तक हमें पता नहीं थी. बाद में पता चला कि इट्स कॉल्ड द एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. खैर एनीवेज आई स्टार्टेड डूइंग दैट आफ्टर कॉलेज. पहले साल तक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, ऊपर से गुजर जाती थी चीजें. बट यू नो वी हैड टू डू इट बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ फीस जो हम ड्यूज जो हम पे करते थे. थोड़ा सा रियलाइजेशन मोड आ जाता है आपको उस उम्र में जाके. घर वाले इतने पैसे खर्च रहे हैं तो कुछ ना लाइफ में करना है. Anyways, so I started doing that. I ended up in the ACCA part 2, but then I realized that this is not something that I want to do because I don't really like, you know, calculating figures for someone else. So there was always this business thing in mind that apna kuch karna hai. 2005, I still remember there was a friend who was going to give an interview in a call center. He asked me to drop him off and I said, why not? दोस्तों के दोस्त हैं, हम जा सकते हैं. किसी दोस्त को फेवर चाहिए, वो ऑलवेज दे. तो आई वेंट टू ड्रॉप हिम ऑफ फॉर हिज इंटरव्यू. एंड यू नो जब वहां पे इंटरव्यूज देने गए तो उसने कहा कि तू भी दे. मैंने कहा हां, व्हाई नॉट. एंड आई गेव माय फर्स्ट इंटरव्यू एंड आई फेल्ड, व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. सो देयर इज वन पॉइंट दैट आई वांट टू टेल एवरीवन व्हिच आई रियलाइज इन लाइफ दैट फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस व्हिच वी डोंट रियलाइज. बहुत कुछ हमारे साथ लाइफ में होता है और हमें लगता है यार ये क्यों हो गया लाइफ में, वो क्यों हो गया, मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो वो सोचा था. यू नो वी शुडंट रिग्रेट व्हाटएवर इज हैपनिंग विद अस इन लाइफ. सो इट्स नॉट ऑलवेज रेनबोज एंड बटरफ्लाइज. आई एम श्योर यू गाइस हैव हर्ड द सॉन्ग वी डोंट टाइम फॉर देयर. तो इस तरह करके खैर एनीवेज तो आई गेव दैट फर्स्ट इंटरव्यू, आई गेव द सेकंड इंटरव्यू,
interview again, and I was approved. I was selected, and within the next 6 months, I was team leader of the whole batch. Wahan 9 months, I kept on working, and the company shut down for some reason, and I was like, it's alright, we'll do something next. Then I started doing my MBA. This is back in 2007. I applied at a couple of places. I even applied at labs, and I was rejected. I don't remember the reason why, but I was. So I went to another university on Driving Road. That's called the University of Lahore. I went for my MBA. Everything was going really smooth. That's what we think. जब सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होता है और सब कुछ अपने तरीके से जा रहा होता है जिस तरह हम जा रहे होते हैं उसी टाइम कुछ ना कुछ हो जाता है थोड़ा सा अगर हम पीछे आते हैं तो बैक इन 2005 व्हेन आई स्टार्ट माय फर्स्ट जॉब अ मिसहैप हैपेंड और विद आवर फैमिली माय सिस्टर वाज डायग्नोस्ड विद ब्रेन कैंसर एंड शी पास्ड अवे इन 2005 शी वाज एन एल्डर सिस्टर टू मी एंड शी वाज द ओनली सिस्टर इन द फैमिली सो वी हैड वेंट थ्रू अ बिग लॉस You know, we had to get one of ourselves busy with everything. That's why I started the job. So, when I was doing my MBA, sab kuch sahi ja raha tha. 2008 mein, I got sick and I was diagnosed with meningitis. Do you guys know what meningitis is? Yes. You do. So, 2008, I was diagnosed with that and I was taken to the hospital and the doctor said they had to do a surgery. The right side of the brain. They did this surgery. I was in the hospital for a month. I was in coma for a week. I took medicine for 9 months. The doctor said I had 30% survival chances, but I survived, alhamdulillah. So the topic for today is unstoppable. If you can relate that to that, if you realize that you know you can plan a lot of things, but you don't know what God has planned for you. So we should never regret whatever happens. इतने ज्यादा हम सब प्लान बनाते हैं लाइफ में एंड दे डोंट गो द वे वी वांट देम बट दे जिस तरह से भी हो जाते हैं वी शुड ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल 2009 में व्हेन आई वाज यू नो गेटिंग बैक टू माय नॉर्मल लाइफ माय मॉम वाज रियली वरीड आई एम श्योर कि हम सब की माएं सब बच्चों से अपने बड़ा प्यार करती हैं और बड़ी यू नो रियली वरीड समबडी सेड कि यार इसको अगर तबीयत ठीक आनी है तो इसकी शादी करा मेरी हो गई शादी वन मोर थिंग वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग वी फॉरगॉट टू हायर अ वेडिंग शॉप वी एक्चुअली डिड बिकॉज दिस फैमिली में ये पहली शादी थी और कोई इतना ट्रेंड नहीं था वलीमे वाले दिन व्हेन वी हैड अराउंड 600 गेस्ट ऑन द वलीमा आई वाज लुकिंग पिक्चर्स कौन ले रहा है वी फॉरगॉट टू हायर अ वेडिंग शॉप शादी हो गई उसके बाद दोबारा उसके बाद आपको पता चलता है कि दूध दही फ्रूट्स आपने खुद लेके आने किचन चलाने रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पे आ जाती है अब आपने पैसे कमाने सो आई गॉट द सेम जॉब अगेन फॉर द थर्ड टाइम व्हेन आई वाज डूइंग दैट थोड़े से बाद रियलाइज हुआ कि ये तो पैसे बहुत थोड़े हैं और लाइफ में कुछ और करना पड़ेगा सो अलॉन्ग विद माई जॉब इन अ कॉल सेंटर विच वाज कॉल्ड टीआरजी एट दैट टाइम It's called DGS. I started another job of as being a media buyer. So I used to work online. रात को 7 से रात शाम 7 से रात 2 बजे तक और रात को 3 से सुबह 8 बजे तक इंडिया. So I used to come back home at 9 o'clock and सोना है शाम तक उठ के फिर काम करना. This routine kept going for 6 months. I had a camera and I had the love of photography. In 2011 December. There was a friend in the same company who was getting married. He asked me if I could do the wedding. I didn't say no to him. I didn't say no to him. Because we gotta hug every opportunity that comes in. Every opportunity, there are a lot of opportunities which come in life, which we don't realize. My friends, there are a lot of things that come in life that you can easily ignore. I didn't ignore it. I did his wedding. And the best part about his wedding was that the bride side was coming from England. I remember. They were expecting to meet a photographer.
And they, when they met me, they said, we didn't, we expected to be a photographer, but we met a photographer. The same bride had another sister who was getting married 2 months after that. She booked me, and then there was a cousin who booked me. Yes, yes, yes. 2012, I was starting my own business. 2013 was getting very stable. 2014, we got another mishap. 2014, my dad got sick and he passed away. So life mein bahut kuch hota hai, and we gotta be very strong, because life isi ka naam hai. Cycle chalna hai aur chalte jana hai. Logo ne aana hai aur logo ne jana hai. We should be very thankful to Allah and God that whatever is happening for good. Hum log realize nahi karte. Hum log realize ye karna chahiye. Should be very, you know, very optimistic about everything which is happening. Because every end has a new beginning as well. 2014 ke baad maine socha ki ab hum kaam mein kya karein? Hum aur zyada kya karein? Aisa kya karein jo, you know, koi na karta ho. I expanded my wedding business, my wedding photography, I expanded my team. 2015 was the year when I was really thinking to do something new. 2015, I got a call from USA. I applied for a visa and I did my first international wedding in New York. Success is a red light. इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कभी भी अगर ये सोचें कि हम कामयाब हो गए हैं, वहाँ से आपका failure start हो जाएगा. You know the way the struggle matters, not getting to the point. It's the life is part. आपकी struggle पूरी life चलती रहती है. हमें ये समझना बहुत जरूरी है. अगर आप समझेंगे कि यू सक्सीडेड, यू डन, देन यू डन, ये बहुत जरूरी है कि हम सोचते हैं कि स्ट्रगल चल रही है और आगे हम काम करते हैं. दिस इज वन ऑफ द शॉर्ट दैट आई डिड इन न्यूयॉर्क. उसके अगले साल देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी व्हिच केम इन व्हेन नाइकॉन कॉन्टैक्टेड मी एंड दे सिलेक्टेड. आई वाज द ओनली वेडिंग फोटोग्राफर फ्रॉम लाहौर हु वाज सिलेक्टेड बाय नाइकॉन टू गो टू कीनिया फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. इसके बाद यूएसए भी हो गया, केन्या भी हो गया. नेक्स्ट ईयर आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग गुड एंड आई वेंट फॉर हज एंड आई गॉट माय हेड शेव एंड आई स्टिल थैंक अल्लाह फॉर ऑल द सक्सेस दैट ही हैज गिवन मी, ऑल द लव दैट आई गेट फ्रॉम पीपल एंड ऑल द लव दैट आई गॉट फ्रॉम TEDxFCCollege. Arrange this TEDx, and thank you so much for having me here. My name is Osman. It was a pleasure.